आज की छोटो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1000 भाग का सिंबल दिया, 100 भाग का सिंबल 10, यानी इसको सरल करके इसका कितना मान आएगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। ठीक है, अगर सभी भाग का सिंबल है तो इसमें करना क्या, आपको सबसे पहले आपको ये वाला लिखना है, सभी भाग का सिंबल है तो आपको ये वैल्यू आपको लिखनी होगी। आप यहाँ से क्या करिए, 1000 आप यहाँ से लिखिए। अब आपको ये चेक करना है कि पीछे कितनी, यानी सभी भाग का सिंबल है, तो करना क्या, आपको इससे भी भाग देना और इससे भी, इसमें क्या करिए, भाग दे। सभी से क्या करना, आपको इससे और इसमें भाग दे। तो क्या करना, आपको 100 से भी इसमें भाग देना है और क्या करना, आपको 10 से भी इसमें भाग देना। अब इसको सॉल्व कर लिए आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये तो बचा कितना है, अर्थात 1000 से 1000 कट गया। तो यहाँ से बता सकते कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए कौन सा इसको मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें करना क्या है, एक बार आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले क्या करना, आपको ये पहले वाली वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि इसके पीछे कितने अंक, मीन्स कितनी संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अगर इससे पहले कुछ रहता तो क्या करते हैं, सभी से इसमें भाग देते। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सभी से भाग देते और इसको सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1/7 भाग का सिंबल दिया, 4/5 भाग का सिंबल, 5/28 को सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, सभी भाग का सिंबल है तो मैंने क्या ऊपर बताया, जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, ये वैल्यू आपको पहली वाली लिखना है, आप यहाँ से लिख लीजिए 1/7। अब करना है कि इससे भी इसमें भाग देना और इससे भी इसमें भाग देना। अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ से 4/ कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ हम 100 इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 4 यही। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये ऊपर 28 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। आप करने के इसका सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर है। इसको सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर। ये देखिए 7 चौक 28 हो गया, तो 28 से ये 28 कट गया और ये 5 से 5 कट गया, अर्थात आप बता सकते कि इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यानी 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है बट इसी से रिलेटेड है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 4 में से क्या घटा दिया जाए कि घटाने के बाद मुझे इसका मान कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। ठीक है, 4 में से क्या घटाया जाए कि घटाने के बाद मुझे इसका मान कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। वैसे आप बता सकते हैं अगर आप इसमें से 1 घटाएंगे इसका मान 3 मिल जाए, लेकिन हम लोग ऐसा मान कि हमको नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। आपको करना है कि ये वैल्यू इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, ये वैल्यू क्या कर दी, इसमें से घटा दीजिए, तो ये घटा देंगे तो कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, इसमें से क्या घटाया जाए कितना प्राप्त हो जाए, तो क्या करना, आपको इसको इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, सेम इसकी तरह से हम लोग क्या कर ले, इसको यहाँ पे फॉलो कर ले। तो यहाँ से कितना है, 5/14 कितना, 14 हो गया और ये माइनस कितना हो गया, 1/6। अब करना है कि इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए, अगर दोनों को एलसीएम लेंगे तो 14 × 6 मिल जाएगा। अब करना कि इसका गुणा त्रिक में कर लिए तो 5×6 = 30 हो गया, 5×6 = 30। इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। अब करना कि 30 में से क्या करिए, 14 घटा दीजिए, अगर आप 30 में से 14 घटाएंगे तो कितना मिल गया, 16 मिल गया, और नीचे कितना आपका बचा है, 14 × कितना, ये 6। अब करिए देखिए, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर ले लो, 2×8 = 16 हो गया और ये 2×7 = 14 हो गया। इसको यहां से काट दो, 2×4 = 8 हो गया और ये 2×3 = 6। ऊपर कितना बच गया, 4 बच गया और नीचे 7×3 = 21 हो गया। ऊपर 4 बच गया और नीचे कितना हो गया, 7×3 = 21। ये आपको क्या गया, आंसर। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि इसमें से अगर इतना घटा दिया जाए तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1/6 आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
15 बटे 16, 19 बटे 20, 24 बटे 25, 34 बटे 35 में सबसे छोटी भिन्न है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो भिन्नें दी गई इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको करना है कि यहाँ से अंश और हर में क्या करिए, अंतर करिए। अंश और हर में अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, एक का मिलेगा। जो भी अंतर मिलेगा इससे करना कि आपको अंश में भाग देना, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, एक का मिलेगा। जो भी अंतर मिलेगा अंश में क्या करना, आपको भाग देना। अगर एक से 19 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 19 बार जाएगी। यहां से अंतर करेंगे तो भी एक अंतर मिलेगा, इसमें भाग देंगे तो 24 बार भाग जाएगी। यहां से भी एक अंतर मिलेगा, इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 34 बार जाएगी। अब आपको चेक करना है, ऐसा करने के बाद अब ये चेक करना है इन चारों में सबसे छोटा कौन है, इन चारों में सबसे छोटा कौन है। तो मैं देख रहा हूं 15 है, सबसे छोटा कौन 15 है, अर्थात आप बता सकते हैं कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी, यही आपकी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 15/16 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको चार भिन्नें दे दी गई हैं, अब इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का क्या पूछा, अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन है और सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तभी तो लोग अंतर करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, आपको करना है कि यहाँ से अंश और हर का क्या करिए, अंतर करिए। अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, 2 का मिलेगा। जो भी अंतर मिलेगा आपको करना है कि अंश में भाग दीजिए, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1.5 बार जाएगी। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, यहां से 4 का मिलेगा। इससे क्या करना, आपको 5 में भाग देना, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इतनी बार जाएगी, 1.25 बार जाएगी। अगर आप यहां से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, आपको 2 का मिलेगा। इससे करना क्या, आपको 7 में भाग देना, भाग कितनी बार जाएगी, 2, 3, 6, 2, 5, 3.5 बार जाएगी। यहां से अंतर करेंगे तो अंतर कितने का मिलेगा, यहां से 3 का। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 10.6, 10.6, इस तरह से आपको मिलता रहेगा। ऐसा करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा पर देखिए ये दिख रहा है, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको पता चले, अर्थात आप बता सकते कि सबसे छोटी भिन्न ये है और सबसे बड़ी भिन्न ये है। भिन्ने भी आपको पता चली, आप करना कि इन दोनों को क्या करिए, अंतर कर लिए। इन दोनों को अंतर कर लिया, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से अंतर कर ले रहे हैं, कितना 7/9 - 2 यहाँ से 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना गया, 9 × 5 आएगा। एलसीएम कितना गया, 9 × 5। करना कि इसका गुणा इधर कर लिए तो कितना हो गया, 7/35। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 9 × 2 कितना हो गया, ये 18। आप करना कि इसको यहां से घटा लीजिए, अगर आप घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, और नीचे कितना जाइए, 9/45। ठीक है, अब ये कट के छोटा नहीं होगा, कट के छोटा तो होगा नहीं, आप क्या करें इसको इसी तरह से छोड़, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिये कौन सा उसका मैच कर रहा, 17/45, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 30 मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी 4 मीटर के 60 टुकड़े करता है, कितने टुकड़े कराइए, 7 टुकड़े करता है। रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, अगर कोई ये रस्सी है और रस्सी की लंबाई आपको दे दे कितनी है, 30 मीटर है। रस्सी की लंबाई कितना है, 30 मीटर आपको दे दी गया। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, 4-4 मीटर का टुकड़ा काट रहा, और कितना टुकड़ा काटा इसने, 60 टुकड़ा काट लिया, कितना काट लिया, 7। तो प्रश्न में पूछा क्या, रस्सी का कौन सा भिन्न यानी शेष बचेगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा, यानी 4-4 मीटर कितना टुकड़ा काटा इसने, 7 × 28, कह सकते हैं कितना कुल काट दिया इसने रस्सी, 28 मीटर काट, टोटल कितना 30 मीटर है। अगर इसमें से क्या कर दिया, 28 मीटर काट के क्या कर दिया इसने, निकाल लिया, 28 मीटर क्या कर दिया, काट के निकाल दिया। तो कितना मीटर ये बचा आपका, ये कितना बच गया, ये 2 मीटर आपका बच गया। रस्सी का टुकड़ा कितना बच गया, 2 मीटर आपका बचा है, रस्सी कितना बच गया, 2 मीटर बचा। अब इसी का पूछा कि भिन्न के रूप में पूछा है, इसी को क्या पूछा, आपको भिन्न के रूप में पूछा है। तो टोटल रस्सी कितना, 30 है, इससे आप क्या करिए, भाग दीजिए, क्या करना आपको, इससे भाग दीजिए।
अगर आप भाग देंगे तो 2 एक कम 2 हो गया और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, ये आपको क्या गया आंसर। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या है एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, 30 मीटर की रस्सी है और ये 4-4 मीटर कितने टुकड़े कर रहा है, 7 × 4 = 28, यानी 28 मीटर रस्सी काट के निकाल दे। तो रस्सी बची कितनी, 2 मीटर, 2 मीटर बची कितनी बची, उसी को क्या पूछा आपको, भिन्न के रूप में पूछा है। तो 2 आपको लिखना होगा और टोटल कितनी रस्सी है, 30 मीटर। अब इसको काट के छोटा कर लिया आपको ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर यानी उनका अंतर कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगी, यानी उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगी। तो सबसे पहले क्या दिया, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात आपको दे दिया और दोनों संख्याओं का योगफल आपको दिया है। तो पूछा क्या उनके बीच का, क्या पूछा, अंतर पूछा है। तो सबसे पहले जो दिया आप यहां से लिख लीजिए, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात इतना दिया है। अब ये कहा गया कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया आपको, 240 दिया गया। अगर रेशो में दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ऐसे रेशो में 4 योग मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है, 240। तो करने के इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, तो 4×6 = 24, 60 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी अगर इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए और इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, तो पहली संख्या को पता चल जाएगी, इसका गुणा इसमें कर लेंगे दूसरी संख्या को पता चल जाएगी। तो यहां से कितना 60 हो गया और यहां से कितना हो गया 6×3 = 18। अब संख्याओं को पता चले, पूछा कि संख्याओं के बीच का अंतर, यहां से इन दोनों का अंतर के लिए कितने का अंतर मिलेगा, 120 का अंतर। ये आपको क्या गया आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 1000 रुपए को बी तथा ए में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त राशि कितनी है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे। यानी 1000 रुपए को क्या करना, बी और ए में बांटना, इस रेशो में बांटना, बांटने के बाद ये पूछा है ए को कितना मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशियो दिया आप यहाँ से लिख लीजिए, हम लोग यहीं पे डाइट कर ले। ठीक है, यही पर लोग क्या करें, डाइट कर ले। अब इन्हीं दोनों में तो बांटना है ना, आप क्या करें इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों क्या करें जोड़ लेते, कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इससे क्या करना, आपको भाग देना, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 × 10, 200 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी और किसका हिस्सा पूछा, ए का पूछा है ना, तो जितनी बार भाग जाएगी ए वाले में लाके गुणा कर दे, ए का मान ये है, इसमें लाके गुणा कर दे, 2 × कितना हो गया, 4 हो गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि 1000 रुपये में ए को कितना रुपया मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि मूल भिन्न कितना ही है, x/y है, मूल भिन्न कितना, x/y, ये इसका ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि क्या किया जाए, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी है, तो इसका अंश जो भी होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, 100%। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दे तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 120% हो गया, 120%। फिर क्या कहा गया, उसके हर में 5% की कमी कर दी है, इसका हर अपने आप में क्या 100% है, अगर इसमें 5% की कमी कर दे तो ये बचा कितना, 95% बचा। अब इसको सॉल्व करने पे, इसका मान कितना मिल जा रहा है, ये इतना मिल जा रहा है। आप यहां से क्या करिए, 5/2 परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर रहे हैं यहां से, तो 5 × 1 = 5 हो गया और 4 इधर गया, 5 × 9 = 45 हो गया। इसको यहां से काट दो तो 5 × 9 = 10 हो गया और 2 इधर गया, 5 × 4 = 20 हो गया। ये तो होगा, अब देखिए कटेगा क्या, अब लग रहा है नहीं कटेगा। ठीक है, अब करने के तिरेक में गुणा कर दीजिए, तो यहां से क्या करें, आपको x और y का मान बताना है, तो आप क्या करें, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, x y को क्या करें, आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिए, तो तिरेक में करें 19/5 कितना हो गया, 95 हो गया, इसका गुणा इसमें करें 24 × 2 कितना हो गया, 48। अर्थात आप बता सकते कि मूल भिन्न कितनी थी, 95/48। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।